निगम भिलाई के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जन समस्या शिविर आयोजित किया गया। 28 नवंबर से प्रारंभ हुए शिविर में अब तक 2000 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। निगम भिलाई द्वारा लगाए जा रहे जन समस्या निवारण शिविर स्थलों में समस्याओं को लेकर लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर सभी जोन आयुक्त शिविरों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आवेदक से आवेदन प्राप्त कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। जो समस्या त्वरित रूप से हल हो सकती है, उसका समाधान शीघ्र किया जा रहा है। जन समस्या निवारण शिविर में अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण, राशन कार्ड, श्रम विभाग पंजीयन, मजदूर कार्ड, नया आधार कार्ड एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड, नया पट्टा, पट्टे का नवीनीकरण, पट्टे का अवैध खरीदी बिक्री का, भूमि स्वामी हक, पेंशन प्रकरण, विद्युत संधारण, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं मूलभूत सुविधाओं के संबंधित कार्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए, 2000 से ज़्यादा आवेदन जो है पूरे जोन क्षेत्र में जो सिविल लग रहा है उसमें प्राप्त हुए हैं, और इसके माध्यम से जो है जो आधार का सेवा है वो त्वरित रूप से अपडेट हो जा रहा है और बन जा रहा है। तो इस प्रकार से जो त्वरित वाली सेवा है, जो लोक सेवा केंद्र जुड़ी हुई सेवाएँ हैं, उनका लाभ जो है तत्काल प्रभाव से मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास में जो बहुत सारे जो मजदूर कार्ड हैं और अनाधिकृत विकास के लिए जो आवेदन कर सकते हैं, और प्रकाश के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, इस सारे तमाम चीज़ों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। और जो शासकीय योजनाएं हैं उनके लिए शिविर लगाया जा रहा है, उसका भी लाभ जो है शिविर के माध्यम से ले सकते हैं। बिल्कुल, यही नियमितीकरण जो है अनाधिकृत विकास का जो नियमितीकरण है वो एक प्रक्रिया है और बहुत अच्छी योजना है ये, जिसमें जो अवैध निर्माण और अवैध रूप से जो अपने स्वरूप में मूल स्वरूप में परिवर्तन करके बनाते हैं, परमिशन नहीं लेते हैं, उनके लिए है नियमितीकरण का जो योजना है उसका लाभ ले सकते हैं। आगामी 24 दिसंबर तक और भी वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाना है, जिससे बचे हुए वार्डों के लोगों को भी उसके समस्याओं के समाधान मिल पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।